हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिसराना कश्मीरी बीकीपिंग। आज मैं दोस्तों आपको एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जो इससे पहले मैंने कभी नहीं किया है तो आज किया है। वीडियो देखने से पहले सभी दोस्तों से गुजारिश है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल को भी ऑल पे सेट कीजिए और बेल को प्रेस कीजिए और इसे ऑल पे सेट कीजिए ताकि आप जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दोस्तों से साथ साथ ये भी गुजारिश है कि मेरी वीडियो को शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स के साथ और अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये मैंने मिला फिर का एक फ्रेम निकाला है, इसमें नक्कर मैंने देखा कम है होना चाहिए और ब्रूड ज़्यादा। और दोस्तों साथ साथ इसमें ये भी देखना है कि इसमें क्वीन नहीं आनी चाहिए। ये है मेरा फेरा का फ्रेम और ये मैंने सराना कॉलोनी के एंट्रेंस पे शेक कर दिया है, झाड़ दिया है। अब वर्कर्स वापस जाएंगे अपनी ऑरिजिनल हाईवे में जहाँ से मैंने निकाला है। दोस्तों जहाँ जो वीडियो के शुरू में जो ऊपर जो छोटा सा बक्सा दिख रहा है आपको, ये वो बक्सा है 8 फ्रेम्स का है सराना कॉलोनी। तो मैंने ये ट्रायल बेस के लिए ट्राई किया था कि ये बेबीज एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। अब देखते हैं कि करेंगे कि नहीं। ये सराना कॉलोनी है और मैंने मिला फिरा का एक ब्रूड का फ्रेम झाड़ दिया है जिसमें मैंने वहाँ से चेक किया था कि बेबीज काफ़ी थे इसमें, तो इसीलिए वही फ्रेम मैंने झाड़ दिया है। और हाँ दोस्तों ये है मेरा फेरा बेबीज। दोस्तों आपको डायरेक्ट ऐसे ही नहीं झाड़ देना, सबसे पहले कुछ बोरा वोरा नीचे डालना है आपको या कुछ जो भी है आपके पास जो जो इसकी लेवल बराबर आपके बक्स के लेवल के बराबर हो जाए। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने स्मोकर का भी इस्तेमाल किया है, इसमें कुछ वर्कर जो थे वो भी अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे तो थोड़ी बहुत फाइटिंग शुरू हुई थी, तो जिसके कारण मैंने स्मोकर भी पहले ही रेडी रखा था कि क्या पता, ऐसा तो मैंने कभी किया नहीं कहीं लड़ाई ना हो जाए दोनों कॉलोनीज के दरमियान, इसलिए मैंने पहले ही स्मोकर भी रेडी रखा था। अगर मैं दूसरी सराना कॉलोनी से एक फ्रेम निकालता तो ऐसे करता, इसमें कोई मसला नहीं होता है, इसमें कोई फाइटिंग, ये तो मैंने कभी किया ही नहीं था, इसलिए मैंने पहले हाफ ही फ्रेम को झाड़ दिया। जब मुझे लगा कि लड़ाई नहीं हो रही है तो फिर पूरे फ्रेम को झाड़ दिया। मान लीजिए मेरा फेरा का बड़ा फ्रेम होता है वो 19 इंच का, तो ये तो सराना है 13 इंच की। अब देख सकते हो आप दोस्तों, ये मेरा फेरा बीज है। ड्रोन भी आई है कुछ मेरा फेरा केस के साथ, वो भी अंदर बाहर कर रहे हैं, आप देख सकते हो। दोस्तों अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। ये देख सकते हो आप, अब तो मिला फिरा वो ये थोड़ी जब ये सारे बीज अंदर घुस चुके थे, इसके बाद 10-15 मिनट का ये मैंने खोल के चेक किया था, अंदर भी कंडीशन नॉर्मल थी, अंदर ठीक ठाक से बैठ रहे थे बीज। जब भी आप करोगे तो इसके लिए आपको स्मोकर पहले रेडी रखना है, क्योंकि ये सराना को सराना बीज हम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये मिला फिरा बीज सराना को दे रहे हैं। मैंने पहली फर्स्ट टाइम ये किया था, मैंने सोचा ये देख सकती हो आप, इसीलिए स्मोकर आफ्टर टू आवर्स के बाद जब मैंने ये सब किया तो ठीक ठाक मिला फिरा भी अपनी ठीक ठाक से काम कर रहे थे इस पर, कुछ यंग वर्कर्स भी घुस चुके थे इसमें स्मोक से। फिर मैंने इस एंट्रेंस पे स्मोक जो मारी थी इससे उनकी स्मेल मिक्स हो गई, तो फाइटिंग वाइटिंग कुछ भी नहीं हुई जो वर्कर्स भी हुई थी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो, अगर कोई नया आया है मेरे चैनल पे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ये गुजारिश है आपसे। और शुक्रिया दोस्तों वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए, बने रहिए। जो थोड़ा सा वीडियो में बचा है